बेंगाबाद में शुक्रवार को बेंगाबाद थाना स्वागत कक्ष में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुई, जिसमें नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बेंगाबाद पुलिस प्रशासन का परिचय आदान प्रदान किया गया। बतौर मुख्य अतिथि बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी, जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा के अलावे नवनिर्वाचित मुखिया पंचायत समिति सदस्य गण मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख मीना देवी ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराई गई है, लेकिन बालू के बिना अर्थ निर्मित प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र में समस्याएं तो अनेक है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जनहित को देखते हुए बालू रोक पर नकेल कसने की अथक प्रयास न की जाए। उन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रशासन के अथक सहयोग से ही छोटे मोटे विवादों को पंचायत में ही निपटाया जा सकता है। जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा ने कहा कि बेंगाबाद थाना प्रभारी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह बेंगाबाद थाना स्वागत कक्ष में आमंत्रित किया है, इसके लिए बेंगाबाद प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से अपेक्षाएं रखता हूँ कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय बनाकर क्षेत्र की जन समस्या निराकरण करने में सहयोग करें। हम जनप्रतिनिधि भी आश्वस्त करते हैं कि प्रशासन का सहयोग करने में हम सबों की अथक प्रयास रहेगी। बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है। जनप्रतिनिधि बेंगाबाद प्रशासन को किसी भी कार्य में अथक मदद करने की प्रयास करें, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था अमन चैन बने रहे। छोटे मोटे मामलों को पंचायत में ही निपटाने का प्रयास करें। प्रशासन भी इस कार्य के लिए जनप्रतिनिधि को अथक मदद करेगी। वहीं बारी बारी से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपना नाम पंचायत और पद का परिचय देकर सम्मान समारोह को सफल बनाया। हालांकि आधे से अधिक जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक था, बताएंगे क्या खास है? आज बेंगाबाद थाना परिसर में बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत नव निर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधिगण के साथ थाना परिसर में परिचय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही विधि व्यवस्था से संबंधित एक बैठक की गई, जिसमें वर्तमान में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे थाना को बोला बताया गया और जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र में उसके संबंध में भी चर्चा की गई और किसी भी सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाने के लिए कार्य करने के लिए बताया गया है। क्षेत्र में सभी आपस में मिलजुल कर रहे, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करें, सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखें, किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी होती है तो सीधे थाना आए और सही प्रतिनिधि ने अपना सुझाव दिया, सभी का अच्छा मंतव्य रहा। सबसे पहले मैं थाना प्रभारी को धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे नवनिर्मित जितने मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य तो मिल के थाना परिसर में आज जो बैठक किया गया, हम लोग इससे पता चलता है कि हमारे जो पंचायत में किसी प्रकार का समस्या रहेगा के माध्यम से, थाना प्रभारी के माध्यम से, सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग किसी प्रकार का मैटर को सुलझाया जा सकता है। सत्र सम्मान समारोह था, बताएंगे इस बारे में क्या? हाँ, आज बच्चे सम्मान था और थाना प्रभारी से सबका परिचय हुआ, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड प्रमुख सबका परिचय हुआ और एक समस्या आ रहा था बालू का, जो इंदिरा आवास मिलता है वो जो गाड़ी पकड़ा जाता है बालू को लेके, वो समस्या थोड़ा समझे कि थोड़ा सावधान हो। और एक समस्या है जो आपस में देखिए झगड़ा हो जाता है छोटा मोटा, उस पर दोनों पक्ष को सुन के ही करवाएगा और जहाँ हो सके पंचायत समिति से थाना प्रभारी को हम लोग मदद करें और थाना प्रभारी हम लोग को भी मदद करें, यही सहयोग से हम लोग का।